गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना सबसे पुण्य का कार्य है। आपको बता दें, विंध्य क्षेत्र की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति द्वारा जिला अस्पताल बिछिया के समीप श्री हनुमान शिवालय मंदिर प्रांगण में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में TI बिछिया थाना जगदीश सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन KP गुप्ता उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन समिति के मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। हर व्यक्ति बिस्लरी की और कूल्हे की बोतल नहीं खरीद सकता। आम आदमी के लिए भी ये प्याऊ ही साबित होते हैं। इसे गर्मी के दिनों में पानी पिलाना मतलब कई तीर्थों का दर्शन करके लौट आने के बराबर होता है। इसलिए इस पुनीत कार्य के लिए मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सिंदौर चौराहे के नीचे भी हमारी स्नेहा जी ने, क्या नाम है सोसाइटी का, पेनिशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक ब्याह को हमने उद्घाटन किया, आज यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार रीवा शहर में आने वाले एक हफ्ते में कई जगह ब्याह खोलने की तैयारी है। जैसा अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि पिछले कई वर्षों से रीवा में इस प्रकार के ब्याह हमारे व्यापारी बंधु आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और ये ठंडा पानी है और RO वाटर है, पूरी तरह से बेहतर पानी जो हो सकता है, कई जगह पूरे रीवा शहर में प्याऊ चलाते हैं। तो अब ये सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया तो वो लोग भी प्रेरित होंगे। पहले तो हमारी प्रेरणा से हो जाते थे, लेकिन अब आपकी प्रेरणा से आप लोगों ने उनको प्रेरित करके झकझोरा है तो वो लोग फिर से अपना शुरू करेंगे। और इस प्रकार से रीवा शहर में हर जगह प्रकार के प्याऊ लोगों को राहत प्रदान करेंगे। तो वो लोग, हम लोग जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, कहीं भी घर में गृहिणी मांगने वाले को इच्छा देती है वो भी भोजन करते हैं। आप पहले के जमाने में आप यहाँ कोई भी राहगीर भी अगर आता है दोपहर में दिन में तो खाली पानी नहीं दिया जाता था। गांव में मोहल्लों में फूल और बताशा साथ में दिया जाता था। पानी पानी पिलाना पुण्य का काम, भोजन खिलाना पुण्य का काम, रक्तदान करना पुण्य का काम। ये जो पुण्य के काम हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने बनाए थे, हम क्रमशः भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी से ये भी प्रेरित होकर प्रेरणा लेके आज ये काम नौजवान कर रहे हो, युवा पीढ़ी के लोग कर रहे हैं। मालिक्यादि